ये देखिए, मैंने 8 इंच इधर से लंबाई और 8 इंच इधर से लंबाई एक पुराने कपड़े को कट कर लिए हैं। और मैंने एक डोरमेट बनाया था पहले भी, ये थोड़ा उससे अलग है। मैं फिर से एक बार डोरमेट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये पहले ही काट लिया था। और ये जो हमारे पास पुराने कैरी बैग आते हैं मार्केट से, ये उसी का कटा हुआ पीस है जिसको मैंने पहले से सिल लिया है। इसको 3 इंच की लंबाई पे मैंने इसको कटिंग करके सिलाई कर ली है। देखते हैं, 2 फोल्ड है ये कपड़ा है, इससे हम 3 इंच करके इस तरह से लंबा कट लगा लेंगे। और इसको हमको इस तरह से सिल कर रख लिया है मैंने इसे, देखिए इस तरह से चुन बैठा कर। मैं एक सिल कर भी दिखाऊंगी, ठीक है। और इसको हमने इस कपड़े पे जॉइंट करते जाना है। मैं इस पर मार्जिन करूंगी, पहले से ही निशान लगा दूंगी कि मुझे कितनी दूरी पे सिलाई करनी है। तो हम 1-1 इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले से ही मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। पहले से मैंने कुछ सिल कर रखे हैं ताकि मेरी वीडियो जल्दी बने। और ये अभी मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने सिलाई करके रखी हुई है। इस तरह से चुन बैठाते हुए हमको सिलाई करते जाना है। Thank you.
ऐसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं। मेरे पास जितने बेकार कपड़े थे सबको मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं, और इस तरह से देखिए इसी में जॉइंट करते जा रहे हैं। इसको मैं अलग से सिलाई भी नहीं लगाई है, इसी में जॉइंट कर दिया। देख रहे देखिए इस तरह से पूरे में मैं लगाती जाऊंगी, यह जितना सारा है ठीक है। इस तरह से सिल कर रखी थी, अब इसको इसके साथ जॉइंट कर रही हूँ ठीक है। इसी तरह से मैं राउंड राउंड पूरे चारों तरफ से अलग अलग कलर के जॉइंट लगाती हूँ। एक के बाद एक हमको जॉइंट लगा देनी है पूरा। देखिए ना पूरा एक के ऊपर एक रख के पूरा सिलाई चलानी है। इस तरह से बेकार कपड़ों से मैंने एक डोरमेट तैयार किया, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप देख सकते हैं। आप भी घर पे इस तरह से बना सकते हैं।